हाउ टू गेट योर फर्स्ट फ्रीलेंसिंग क्लाइंट, राइट? सबको मालूम है फ्रीलेंसिंग से पैसा कमा सकते हैं, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट जहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रीलेंसिंग के क्लाइंट्स पा सकते हैं, जैसे चाहे वो हो गया फाइबर आपका फ्रीलेंसिंग, एंड देर आर सो मैनी वीडियोज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दीज वेबसाइट, बट रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि वहाँ लोग तैयार बैठे आपको पैसा देने के लिए, क्योंकि ऐसा होता तो हर कोई करोड़पति बन गया होता फ्रीलेंसिंग करके। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सम अमेजिंग टिप्स जिससे कि एक्चुअल में आप अपना पहला फ्रीलेंसिंग क्लाइंट पा सकते हो। इसके अलावा एक ऐसा मेथड जिससे अगर कोई क्लाइंट नहीं मिला तब भी बात बन जाएगी, ओके? सो इस वीडियो को एंड तक देखो। आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वॉचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। नंबर वन, क्रिएट योर पर्सोना। अगर वेबसाइट पर जा रहे हो कहीं पर, तो वहाँ पर पहले बात तो बाहर के कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। यू आर नॉट दी ओनली वन जिसको वेब डेवलपमेंट आती है। सो नंबर वन, यू हैव टू मेक योर पर्सोना, ऐसा दिखना है आपको कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्लाइंट को बेसिकली कन्वेंस करना है कि वो क्यों दे आपको, समझ रहे हो? क्या रीज़न होना चाहिए कि क्लाइंट तुम्हें प्रोजेक्ट दे वो। तो यू हैव टू क्रिएट योर पर्सोना लाइक दैट। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रीलेंसिंग वेबसाइट पे ही अपना रियल लाइफ में ऐसा पर्सोना हो। फॉर एग्जांपल, मेरा यूट्यूब पे चैनल सबको मालूम है, मुझे डेवलपमेंट आती है। फ्रीलेंसिंग वेबसाइट छोड़ो, मेरे पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ऑफर्स आते हैं वेबसाइट बना के इतने पैसे में देने के लिए, बट आई एम टू बिजी तो वो नहीं कर पा रहा मैं, वो लोग बात है। बट दैट्स माई पॉइंट कि मैंने अपना पर्सोना ऐसा बना रखा है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा क्लाइंट मांगने के लिए, क्लाइंट्स खुद आ रहे मेरे पास, राइट? सो नंबर वन थिंग इज़ वर्क ऑन योर पर्सोना। अब पर्सोना कैसे बनाना है, विच इज़ द सेकेंड पॉइंट, बिल्ड योर स्किल्स। ऑफकोर्स पर्सोना तभी बनेगा जब स्किल्स होंगी, तो अपनी स्किल्स एक्वायर करनी है। स्किल्स कैसे होंगी, ये चैनल भरा ही है आपके लिए, लिटरली प्लेलिस्ट लाइन बाय लाइन रेडी है, कोई से भी प्लेलिस्ट स्टार्ट करो। मर्चेंट डेवलपर बनना है, स्टार्ट करो। एंड वन मोर थिंग, सून मैं रिएक्ट नेटिव पे भी लाने वाला हूँ प्रोजेक्ट, तो किसी को ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकता है, राइट? सो स्किल सीखनी इंपॉर्टेंट है बहुत। और हाँ, एक चीज़ कि यूट्यूब पे या इन जनरल सही इंफॉर्मेशन भी है, गलत इंफॉर्मेशन भी है। सो गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहना, सही इन्फॉर्मेशन को लर्न करना, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, स्किल सीखने का। और थर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि ट्यूटोरियल देखने से आती नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक मैं 10 ट्यूटोरियल दिखा दूँ आपको नहीं आएगी ट्यूटोरियल, तक ही आएगी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन आगे नहीं बना पाओगे। सो ट्यूटोरियल देखने के बाद, उस चीज़ को समझने के बाद, यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं है, राइट? सो ये तो हो गया सारा स्किल से रिलेटेड, राइट? ठीक है, मान लिया बहुत बेहतरीन डेवलपर हो, अब क्या स्किल्स हो गई। अब आता क्लाइंट की बारी, क्लाइंट को रीच कैसे करना है? बहुत ऑप्शन है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। यस, यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो छा जाओ बिल्कुल, अपने सैम्पल प्रोजेक्ट बना के डालते रहो, राइट? काम तो बहुत है, राइट? लेकिन डेवलपर भी बहुत है। सो उन डेवलपर से अलग दिखना है, इसके लिए स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और अपना पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि यस आई एम द वन, आई एग्जिस्ट, इस टाइप से ये लिखना नहीं है, ये फील आनी चाहिए अंदर से। इसके बाद ये तो हो गया इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट्स पाना, या फिर रियल लाइफ में भी क्लाइंट्स पा सकते हो। अपने सारे दोस्तों को बता दो, आई एम अ डेवलपर, राइट? ऐप दिखा दो ऐसे बनाई है, तो एक्चुअल में ऐसे काम करते हैं। फ्रीलेंसिंग से ज़्यादा फ्रीलेंसिंग का काम फ्रीलेंसिंग की वेबसाइट से ज़्यादा तो थ्रू सोशल मीडिया मिल सकता है, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ मैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं बता रहा था कि बोनस टिप है जिसकी वजह से क्लाइंट ऐसा मिलेगा, क्लाइंट नहीं मिल रहा तो भी बात बन जाएगी, वो क्या है? जब भी हम फाइबर पे अकाउंट बनाते हैं, लाइक तुमने बनाया एक अकाउंट टू गेट सम वर्क, ठीक है, एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा अकाउंट बनाओ टू गिव वर्क, समझ गए? एक क्लाइंट हो, खुद ही क्लाइंट हो, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ मैं, एक प्रोजेक्ट डालो कि मुझे ऐसा ऐसा एक वेबसाइट चाहिए, एंड दूसरे आईडी से खुद को रिक्वेस्ट कर दो, खुद को अप्रूव कर दो, इस चीज़ में $5 खर्च होंगे, यस, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम $10 का होता है पेमेंट फ्रीलेंसिंग पे ना। उन $10 में से 5 तो रख लेगी फ्रीलेंसिंग वेबसाइट, $5 मिलेंगे आपको वापस, तो टेक्निकली आप कर रहे हो स्पेंड $5। बट इसका पॉइंट क्यों कर रहे हैं सब, बिकॉज नाउ यू विल हैव द पावर टू गिव रेटिंग टू योर सेल्फ, समझ रहे हो? मतलब आपका एक क्लाइंट था, आपका एक्चुअल अकाउंट है जिससे आपने वर्क किया है, तो आपका जो एक्चुअल अकाउंट है इसको मिले $5 वापस, राइट? यहाँ से आपने $10 खर्च किया, यहाँ आपको $5 मिल गए, तो 5 तो बर्बाद हो गए जो कि कंपनी खा गई। अब इस वाले अकाउंट से आप इसको रेटिंग दे सकते हो, सो टेक्निकली आपके मेन अकाउंट जो है आपका सेलिंग वाला, वहाँ पे आपको रेटिंग मिल चुकी है अपने पहले फ्रीलैंसिंग क्लाइंट से जो कि आप खुद ही थे, राइट? सो ऑफकोर्स दिस इज लीगल, क्यों नहीं कर सकते ऐसा। अब रेटिंग मिल गई है, नाउ चांसेस बढ़ गए हैं ऑब्वियसली कि आपको
फ्रीलैंसिंग के क्लाइंट एक्चुअल मिल सकते हैं राइट नाउ ये नहीं करना तो दूसरा इसका वे है कि फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पे आप खुद को स्पॉन्सर्ड करा सकते हो। वहाँ नीचे ऑप्शन आता रहता है कि $5 दो एंड यू विल बी स्पॉन्सर्ड, तो फ्रीलैंसिंग वाले आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि लो इनको क्लाइंट लो, बट आई डोंट बिलीव इन दैट क्योंकि इवेंचुअली वो जो क्लाइंट है वो भी इंसान ही है, सो वो ऐसे कंपनी की बात पे बिलीव नहीं करने वाला। तो इससे बेटर तो यही वाला ऑप्शन है, $5 खर्च करना है तो खुद को रेटिंग दो, एंड ये भी इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये अपना पर्सोना ही ऐसा क्रिएट कर दो कि आपको क्लाइंट के पास नहीं जाना पड़े, क्लाइंट आपके पास आए राइट। और उसका एक और तरीका है, या तो जैसे यूट्यूब कर रहा हूँ मैं ऐसे करूँ, अदरवाइज़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे, अदरवाइज़ कहीं भी खुद ही सर्च करो, खुद ही पास पहुँच जाओ कि मैं काम कर दूंगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे मतलब स्टार्टिंग में, यू नो, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री में आप घुस गए उसके बाद देर इज नो कम बैक, एक बार घुसने की देर है, उसके बाद तो बस काम ऐसा करो आप, उसके बाद तो आपको काम बोलेगा, मेन पॉइंट ये है, उसके बाद तो काम ऐसा करो फ्री में कर दो चाहे पहला प्रोजेक्ट राइट, एंड जस्ट लाइक दैट फ्री में पहला प्रोजेक्ट करोगे, फिर जिस बंदे का आपने प्रोजेक्ट किया है वो भी आगे वालों को रिकमेंड करेगा, उसको आप चार्जेस बता सकते हो कि देख ब्रो तुम्हारा मैंने फ्री में किया है बट आगे प्लीज़ चार्जेस बताना, मेरे इतने चार्जेस होते हैं तुम्हारा फ्री में किया है राइट। और उसका फ्री में भी ये नहीं पूरे करना, कभी पूरी एक स्टार्टअप भी खड़ा कर दिया तो मेरे फ्री में नहीं, ये मत करना राइट। तो वो आगे ऐसे रिकमेंड करेगा एंड दैट्स हाउ यू विल गेट क्लाइंट राइट। एंड इसके अलावा सून आई एम थिंकिंग टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट क्लाइंट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क यू कैन वर्क एंड इफ़ यू आर द क्लाइंट देन यू कैन ऑल्सो गेट सम डेवलपर देयर ठीक है। मतलब आपको वहाँ पे काम करना है तो काम करो, वहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट आपको काम करवाना तो वो भी करवा सकते हो राइट। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसा लॉन्च करने के लिए क्योंकि थोड़ा मिडल वे हो जाएगा राइट, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल पे क्लाइंट भी हैं और डेवलपर्स भी हैं। सो लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट्स कैसा लगा आइडिया। Yeah.